तो भाई लोग एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। मैं लिटरली 6 बजे से आंखें खोल के वेट कर रहा था भाई, नींद में था फिर भी, लेकिन अभी 9 बजे जाके लोगों ने ट्रेलर ड्रॉप किया है। खैर अपनी शिकायतें तो खत्म नहीं होगी, लेकिन फिलहाल ये ट्रेलर भाई लिटरली कतई जहर ट्रेलर बनाया है। इस ट्रेलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये पूरा ट्रेलर एक सीरियस वाइब कैरी करता है। सोचो ये मार्वल का पहला ट्रेलर होगा जो की एक जोक के साथ एंड नहीं हो रहा है। मार्वल का ट्रेडमार्क रहा है कि वो ट्रेलर को एंड करते हैं एक जोक और एक लाइट रिलीफ के साथ, बट ये ट्रेलर उन रूल्स को तोड़ देता है। इससे साफ साफ लग रहा है कि भाई स्कॉट लैंग का पत्ता कटने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलो जल्दी से क्विक ब्रेकडाउन करते हैं इस ट्रेलर का। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है स्कॉट लैंग की नॉर्मल लाइफ से, जहां उसके नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड कुछ सीन्स दिखा जाते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पिछले ट्रेलर में देख रखे थे। और ये बैकग्राउंड में कैंग स्कॉट को बोल रहा होता है यू आर एन इंटरेस्टिंग पर्सन, और हमें यही पे एक जंप दिखा जाता है जहां पे क्वांटम रियलम के अंदर एंटमैन जाता है। और भाई यहां पे एक बहुत अच्छा सा लुक हमें एंटमैन के नए सूट का देखने को मिलता है जो कि बहुत सही लग रहा है देखने में। इन्हीं सबके बीच हमें कैसी का एक शॉट देखने को मिलता है जहां वो जेल से बाहर आ रही होती है। अब ये शॉट ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूरे प्लॉट को चेंज कर सकता है। अब हमें ये तो पता है कि इस मूवी के अंदर कैसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी जिसको सॉल्व करने के लिए कैंग के साथ डील करेगा अपना एंटमैन। हो सकता है जैसी प्रॉब्लम स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर के साथ हुई थी, मतलब पब्लिक ने उसे बहुत हेट किया था, इवेंचुअली वो एक क्रिमिनल टाइप का आदमी बन गया था, वैसे ही शायद कैसी के साथ भी हुआ है और उसी को बचाने के लिए स्कॉट कैंग की हेल्प लेगा। और इवेंचुअली पूरे ट्रेलर के अंदर टाइम से रिलेटेड ही बात हुई है कि कैंग बोलता है कि मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूं जो कि तुम्हें चाहिए अपनी बेटी को बचाने के लिए। हालांकि एक थ्योरी है जो कि थोड़ी बहुत प्रॉमिसिंग लगती है। फिर ट्रेलर में आगे फिर से वही सीन्स दिखा जाते हैं जहां पे कैसी जो है वो मशीन को एक्टिवेट कर देती है और बाकी सब लोग क्वांटम रियलम के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हमें पिछले ट्रेलर से देखे इस सीन का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है जहां पे कैंग अपना हेलमेट उतारते हैं, और ये सीन बहुत ज्यादा बवाल लग रहा है भाई। मतलब कितना ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट और रियलिस्टिक रखा है कैंग के लुक को उस मूवी ने। इसके अलावा हमें क्वांटम रियलम के 2-3 सीन्स और देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सबके बीच बैकग्राउंड में जैनेट जो है वो एंटमैन को वार्न कर रही होती है कि भाई वो एग्जिस्टेंस को रीराइट कर सकता है, यानी कि रियलिटी को अल्टर कर सकता है और टाइमलाइंस को शैटर कर सकता है, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिसपे अपना एंटमैन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, बस मुझे अपनी बेटी को बचाना है। और इन्हीं सब के बीच ट्रेलर के अंदर हमें एक शॉट के अंदर 2-2 स्कॉट लैंग देते हैं, और ये पहली बार नहीं है, पिछले ट्रेलर में भी और इस ट्रेलर में भी बहुत से ऐसे शॉट्स हैं जिसके अंदर हमें एक से ज्यादा स्कॉट लैंग दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि ये कोई इल्यूजन हो या फिर हो सकता है कैंग ने लिटरली एंटमैन के वेरिएंट्स को खड़ा कर दिया हो उसके सामने, और उसके अगले शॉट में ही कैंग एंटमैन और उसकी फैमिली को एक पोर्टल के थ्रू एक नई जगह पे ले जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही वो जगह होगी जहां पे इस मूवी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, यानी कि यही वो जगह हो सकती है जहां से कैंग को कुछ चाहिए और स्कॉट लैंग उसकी हेल्प करेगा वो चीज पाने में। जहां तक इस पूरे ट्रेलर को समझने के बाद मुझे लग रहा है कि कैंग का अल्टीमेट मिशन एक्चुअली में ये है कि वो अपनी आर्मी के साथ इस क्वांटम रियलम से बाहर जाना चाहता है और रियल वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता है। अब क्वांटम रियलम से बाहर जाने के लिए उसे स्कॉट लैंग की हेल्प चाहिए, और इसीलिए वो स्कॉट लैंग से डील करता है और उसे एक मिशन पे भेजता है। और इस चीज को हम इस शॉट में भी देख सकते हैं जहां स्कॉट अपनी एंट्स के साथ इस जगह पे खड़ा है। अगर यहां पे तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें सैंक्ची के रिंग्स वाले टेक्सचर इस जगह पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली सैंक्ची के रिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मूवी के अंदर। इवेंचुअली एक थ्योरी भी है कि कैंग का एक वेरिएंट जिसका नाम था रामाटट, वो अर्थ में बहुत सालों पहले आया था और रूलर बना था, यहां के लोगों पर रूल करता था उन्हीं 10 रिंग्स की हेल्प से। और जब वो मरा तो उसकी कब्र में 10 रिंग्स को दफना दिया गया था, और इन्हीं कब्र में से 10 रिंग्स को वेनवू ने उठाया था। और इस चीज को सैंक्ची मूवी के इंट्रोडक्शन सीन के अंदर भी बताया गया था जहां स्टोरी का नरेटर हमें ये बताता। कोई कहता है कि रिंग्स उन्हें किसी ताल में मिले या उन्होंने किसी समाधि से चुराए थे। तो अब आप देख सकते हो कि MCU के डॉट्स किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रेलर एंड होते होते एक बहुत ज्यादा इंटेंस और टेरिफाइंग सा एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिल जाता है स्कॉट और कैंग के बीच में। और यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि भाई कैंग ने अपने स्कॉट का काट दिया है, और अब स्कॉट को कैंग के अगेंस्ट जाना पड़ेगा क्योंकि कैंग सिर्फ अर्थ के लिए नहीं पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है। इन दोनों के बीच के एक्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लगती है क्योंकि कैंग जिस तरह से एंटमैन को पीटता है ना, लिटरली उसके हेलमेट को तोड़ देता है। और फिर इन दोनों के बीच में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट का भी 2-3 सेकंड का सीन देखने को मिलता है जिसमें एंटमैन बहुत बुरा पिटता है। एंड इस पूरी जगह को एनालाइज करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि भाई जिस जगह पे कैंग ने पोर्टल खोल के एंटमैन की फैमिली को लाया था और फिर स्कॉट को एक मिशन पे भेजा था, और उसी मिशन से वापस आने के बाद ठीक यहीं पे कैंग ने उसका काट दिया और यहीं पे फाइनल बैटल भी होगी। और इसके अलावा ट्रेलर में हमें नेक्स्ट शॉट पे देखने को मिलता है कि भाई जो स्कॉट है वो नीचे गिर जाता है उसी जगह पे, और वहां पे ऊपर हम कैसी लैंग को खड़े हुए देख सकते हैं। एंड इसी के साथ ट्रेलर खत्म हो जाता है। भाई लिटरली ट्रेलर बहुत शानदार था। मैं इन्हें मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर में से काउंट करूंगा, और भाई इससे मूवी को लेके हाइप और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बाकी तुम्हें क्या लगता है इस ट्रेलर के बारे में, तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसा ही कॉन्टेंट और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो।